देखिए, सिर्फ जम्मू ही में ये समस्या नहीं है, पूरे देश में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में लोगों के लिए पंखा या एसी ही सहारा होते हैं, लेकिन बढ़ती गर्मी दोहरी मुसीबत लेकर आई है। गर्मी की प्रचंड मार तो है ही, बिजली की भी किल्लत है। एक तो देश में इस वक्त आसमान आग उगल रहा है, तो दूसरी ओर बिजली की किल्लत से पंखा भी बार बार बंद हो जा रहा है। यानी जब गर्मी फुल है तो बिजली भी गुल, और देश में इस वक्त आम लोगों पर दोहरी मुसीबत। ज्यादातर राज्यों में जहां गर्मी प्रचंड पड़ रही है, वहीं बिजली की कमी की भी समस्या सबसे ज्यादा सामने आ रही है। कई राज्यों में लोड शेडिंग के चलते घंटों बिजली गुल होने की शिकायतें आ रही है। इस हालात के दोनों कारण हैं, एक तो बिजली घरों में कोयले के स्टॉक का कम होना, और दूसरा बढ़ती गर्मी के चलते बिजली की डिमांड का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाना। देश में बिजली की स्थिति पर नजर रखने वाली सरकारी संस्था पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजली की मांग किस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। 28 अप्रैल को पीक आवर में, यानी रात 8 बजे, देश में बिजली की मांग 188,222 मेगावाट थी। पीक आवर के दौरान 10,778 मेगावाट बिजली की कमी। सबसे ज्यादा बिजली की मांग 28 अप्रैल को दोपहर 2:25 पर थी। 28 अप्रैल को 2:25 पर 204,653 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की गई। 28 अप्रैल को प्रचंड गर्मी के बीच जब बिजली की सबसे ज्यादा डिमांड थी, उस दिन सबसे ज्यादा बिहार को बिजली की कमी झेलनी पड़ी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।